तो चलिए आज हम लोग एक गेम खेलते हैं, ठीक है। आपके सामने बोर्ड पर कुछ लिखा हुआ है, एक तरफ सभी बच्चों के नाम लिखे हैं और बीच में एक कहानी है हमारी पतंग, ठीक ना। आपका कितने जल्दी स्पष्ट, कितने जल्दी आप इस पूरी कहानी को पढ़ते हैं ये देखेंगे, और कौन सबसे कम समय में पूरा साफ पढ़ता है। अगर आप कहीं बीच में अटक गए, आप पढ़ रहे हैं फॉर नीचे तो गलत हो गया है, तो हम उसको सही नहीं मानेंगे। जहां गड़बड़ होगा वहां रुक के सही करके तभी आगे बढ़ना है। अगर कहीं गलत हो रहा है तुरंत आप लोग जो बैठे हैं, जो यहां पढ़ता रहेगा, अगर कहीं गलत आता है तो आपको क्या करना है, तुरंत बता देना ताकि उसका समय और बढ़ जाए। मगर अगर सही कर रहा है तो वो चलता चला जाएगा, और जितने समय में वो अपना पूरा पढ़ के सुनाएगा उसका समय यहाँ पर नोट कर दिया जाएगा, और जो सबसे कम समय में स्पष्ट पढ़कर सुनाएगा वो विजेता। तो इस समय समझ में आया सबको? हाँ, जो जीतेगा उसको एक पेन, ठीक ना, एक बढ़िया सा पेन आप लोगों को दिया जाएगा। तैयार होगे सब लोग? अच्छा, पेन के अलावा कुछ और चाहिए तो बता दो। एक अच्छी सी पेन ना, नीली रंग की चाहिए कि लाल वाली चाहिए? सबको नीली, ठीक। एक नीली जेल पेन आप लोगों के लिए तैयार करते हैं, मगर जीतने वाले को अगर सबको देंगे तो फिर कोई महत्व नहीं रह जाएगा, है ना, क्योंकि जो जीतेगा वो ही एक पेन पाएगा। और सबसे कम समय में स्पष्ट, बात को समझो, एकदम क्लियर पढ़ना चाहिए। तैयार हो? कितने लोग तैयार हैं? आस्था तैयार नहीं हो? तैयार, बबली भी तैयार है। ए देखो, दोनों हाथ से तैयार है। समर्पित, समर्पित शक्तिमान बन गए क्या? हाँ हाँ, रेडी सब लोग? तो चलो आइए शुरुआत करते हैं। शुरुआत हम लोग यहाँ कर रहे हैं यश से। चलो आ जाओ यश, चलो यश स्टार्ट। हमारी पतंग एक दिन नीली छत पर गई, आसमान में बहुत सारे पतंगे उड़ रही थी। नीली का मन हुआ कि वह भी पतंग उड़ाए। वह और नीचे गई। नीली ने माँ से पतंग उड़ाने के लिए कहा, पर घर में पतंग नहीं था। क्या लिखा है? नहीं थी। हाँ ठीक, नेक्स्ट, रेडी। मेरी पतंग एक दिन नीली छत पर गई, आसमान में बहुत सारी पतंगे उड़ रही थी। नीली का मन हुआ कि वह भी पतंग उड़ाए। वह फौरन नीचे गई। गलत है, वह फौरन नीचे आ गई। हाँ वेरी गुड। हाँ, पतंग बनाने उड़ाने के लिए कहा, पर घर में पतंग नहीं था। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, आपने किया 34 सेकंड में। रुक जाओ, अभी रुक जाओ, इसका लिख दिया। इनका हुआ 34 सेकंड, ठीक ना। चलो आ जाओ, शाबाश, रेडी, चलो स्टार्ट। हाँ चलो पढ़ो पढ़ो। हमारी पतंग। अब कोई बोलो मत, रुक जाओ। और हैदराबाद दिल्ली घूमो, नहीं पढ़ पा रहे हो। अब छुट्टी मारोगे? दिल्ली जाना है, समझ में आ रहा है? देखो तुम कितना पीछे हो, तुम पढ़ नहीं पा रहे हो। चलो आपको नहीं आता, चलो आप आओ, आपको और मेहनत करनी है, ठीक ना। नितेश नहीं पढ़ पाया ना, तो नितेश का कैंसिल, नितेश पढ़ नहीं पाया, नितेश को भी और मेहनत करनी है। चलो समर्पित, रेडी, तैयार, स्टार्ट। हमारी पतंग एक दिन नीली छत पर गई, आसमान में बहुत सारे पतंगे उड़ रहे थी। नीली का मन हुआ कि वह भी पतंग उड़ाए। वह औरन नीचे आ गई। वेरी गुड। नीली ने माँ से पतंग उड़ाने के लिए कहा, पर घर में पतंग नहीं थी। वेरी बात है, क्या बात है। 33 सेकंड्स में किसने पूरा किया? समर्पित। चलो 33, रेडी स्टार्ट। हमारी पतंग एक दिन नीली छत पर गई, आसमान में बहुत सारी पतंगे उड़ रही थी। नीली का मन हुआ कि वह भी पतंग उड़ाए। वह फौरन
शाबाश, 17 सेकंड, ताली बजाइए इनके लिए, 17 सेकंड, बहुत बढ़िया। अभी तक का सबसे फास्ट जो है सक्षम ने किया है, मात्र 17 सेकंड। अब समझ में आ रहा है ये कितने सेकंड में पढ़ा जा सकता है। चलो अब कौन है नेक्स्ट, उदित चल बेटा। हाँ, मेरी पतंग एक दिन मिली छत पर गई, आसमान में बहुत सारी पतंगें उड़ रही थी, मिली का भी मन भी गलत, मिली का मन हुआ, मिली का भी, कहाँ भी लिखा है बेटा, मिली का मन हुआ कि वह भी पतंग गाएगी, गुड। मिली ने माँ से कहा से पतंग उड़ाने के लिए कहा, बोली उड़ाने के लिए कहा, हाँ पर मैं घर में पतंग नहीं है, है कहाँ लिखा है, अपने मने जोड़ ले रहे हो, हाँ ठीक 55। चलो उदित का रेडी, चलो पढ़ना शुरू करो। मेरी पतंग एक दिन मिली अपने छत पर गई, आसमान में बहुत सारे पतंग दिखे, अरे कहाँ दिखे, कहाँ दिखे लिखा है बेटा, उड़ रही थी। हाँ देखो ये अपने मन से जोड़ रही है, ना 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 ना, ना मान्य नहीं होगा, उंगली रखो पहले, उंगली रखो कहाँ पहुंची हो, हाँ चलो पढ़ना शुरू करो, हाँ पतंग जल्दी जल्दी जल्दी, माँ हाँ रुक जरूर, हाँ पढ़ो पढ़ो, पतंग कहाँ लिखा है, घर पे कोई नहीं, कहाँ घर पर कोई, कहाँ लिखा है, पर घर में हाँ हाँ था, कहाँ लिखा है, चलो नहीं नहीं सबसे कम बोली है ये, 1 मिनट 42 सेकंड। चलो काव्या, हमारी पतंग एक दिन मिली छत पर गई, आसमान में बहुत सारी पतंग उड़ रही थी, मिली का मन हुआ कि वह भी पतंग उड़ाए, वह फौरन नीचे आ गई, मिली ने माँ से पतंग उड़ाने के लिए कहा, पर घर में पतंग नहीं था। शाबाश शाबाश, 29 बहुत बढ़िया, 29 समर्पित को नहीं मिलेगा, समर्पित को, अब तुम पढ़ो, रिया की बारी। अरे वाह, तुम तो एक ही लाइन में पूरा बताती चली जा रही हो, तुम्हें याद हो गया है क्या, तुम सही नहीं पढ़ रही हो, और छुट्टी मारो बेटा, अब समझ में आ रहा है छुट्टी मारने से क्या होता है, नुकसान हुआ कि नहीं हुआ, पढ़ ले रही हो, पहली लाइन में तुमने 2 लाइन पढ़ दिया, हाँ और घर बैठ जाओ, स्कूल मत आओ, तुमको पढ़ने आ जाएगा ना, अब छुट्टी मारोगी, देखो सब बच्चे पढ़ ले रहे हैं ना, तुम पढ़ पा रही हो, दादी रोक लेती कि मम्मी रोकती हैं, कौन रोकता है बताओ, घर पे कौन रोकता है तुमको, बब्बा रोकते हैं, क्या कहते हैं करने के लिए घर पे, घर पे क्या करती हो, हाँ बोलो बेटा, घर पे काम करती हो, बकरी चराती हो, दिन भर खा के सोती रहती हो ना, बस कुछ करती हो,
तो स्कूल आने में क्या दिक्कत है? सर रोज खेलती है। रोज खेलती है ना? यस सर। अब देखो तुम पढ़ नहीं पाई हो। अरे स्कूल में खेलती है। नहीं ये नहीं पढ़ पाई है। इनको इन, इनको 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 तैयार करना होगा। बेसिक में चलोगी तुम? चलो चलो बैठो। जीरो रिया, रिया नहीं पढ़ पाई है ठीक ना? रिया नहीं पढ़ पाई है, इसको वापस तैयारी करनी है। चलो अब तुम्हारी बारी, स्टार्ट। शाबाश, 19 सेकेंड, बहुत बढ़िया 19 सेकेंड, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया पलक। अभी तक जो हाईएस्ट रहा है सक्षम का 17 सेकेंड, और सेकेंड लड़कियों में सबसे ज्यादा हाईएस्ट किसका आया? पलक का कितना? 19 सेकेंड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो मानसी आ जाओ, रेडी स्टार्ट। एक दिन मिली छत पर गई, आसमान में बहुत सारी पतंग उड़ रही थी। मिली का मन हुआ कि वह भी पतंग उड़ाए। वह फौरन नीचे आ गई। मिली ने माँ से पतंग उड़ाने के लिए कहा, पर घर में पतंग नहीं था। शाबाश, नहीं थी। चलो 35 सेकेंड, बहुत बढ़िया। ताली बजाइए सब लोग इनके लिए भी। बहुत अच्छा। कितना कितने में कवर किया मानसी ने? 35। कितने में? 35 सेकेंड। चलो देवांश आ जा बेटा। स्टार्ट। मेरी पतंग एक दिन मिली छत पर गई, आसमान में बहुत सारी पतंगे उड़ रही थी। मिली का मन हुआ कि वह भी पतंग उड़ाए। वह फौरन नीचे आ गई। मिली के माँ से पतंग उड़ाने के लिए कहा, पर घर में पतंग नहीं थी। ओहो, 30 सेकेंड, बहुत अच्छा कोशिश किया आपने, बहुत अच्छा कोशिश किया। कोई बात नहीं, और अच्छा हो जाएगा। कितने सेकंड में किया इन्होंने? शिवांश आजा बेटा। मुस्कीलाल अच्छे से करना, तैयार हो? हमारी पतंग एक दिन मिली छत पर गई, आसमान में बहुत सारी पतंगे उड़ रही थी। मिली का मन हुआ कि वह भी पतंग उड़ाए। वह फौरन नीचे आ गई। मिनी ने माँ से पतंग उड़ाने के लिए कहा, पर माँ घर में पतंग नहीं थी। शाबाश, 34 सेकेंड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। शिवान वेरी गुड बेटा, और स्पीड बढ़ाओ। हाँ कोई बात नहीं, मगर फिर भी अच्छा पढ़े हैं। चलो सेजल, चलो ये भी वही है, घर स्कूल ना आने वाली। चलो ददियारो, चलो शुरू। हमारी पतंग एक दिन नीली छत पर गई, आसमान में बहुत पतंग है, बहुत सारी ना। तुम उतना ही याद कर सकी जितना तुमने लगातार सुना, तुम भी पढ़ नहीं पाई हो। इसको हम पढ़ना नहीं कहेंगे, जब इतना अटक गए तो ये पढ़ना नहीं हुआ, ठीक है? हाँ गलत। देखो अभी तक नितेश, तीन लोग गलत हो गए, नितेश रिया और सेजल। ना
ना ना ना ना तुम भी नहीं, तुम्हारा भी नहीं। गई 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 आस्था, आस्था नहीं पढ़ पाई। बबली कोई बात नहीं, कोशिश करेंगे। चलो बबली आ जाओ, बबली बेटा अच्छे से पढ़ना ठीक है। चलो आ जाओ स्टार्ट। सारी पतंगे उड़ रही थी। मिली का मन भी हुआ कि वह भी पतंग उड़ाए। वह फौरन नीचे आ गई। मिली ने माँ से बोला। माँ से कहाँ बोला, बोला कहाँ लिखा है? माँ से बोला पतंग उड़ाने के लिए कहा नहीं थी। हाँ वेरी गुड। चलो 43 सेकेंड्स। चलो कोई बात नहीं, 43 बढ़िया। चलो साक्षी सबसे लंबी दिल्ली से आई है। साक्षी जी स्वागत है आपका। देखते हैं दिल्ली से बिल्ली लाई है, क्या लाई है पढ़ लोगी? रेडी। हमारी पतंग एक दिन लीली ने छत पर गई। आसमान में बहुत सारे पतंग उड़ रहे थे। लीली ने थे कहाँ लिखा है? थी। हाँ लीली बोला भी मन हुआ पतंग, मन हुआ भी वह पतंग उड़ाए। वह फौरन नीचे आ गई। लीली ने माँ से बोला। कहाँ बोला लिखा है? से पतंग उड़ाने के लिए कहा, पर घर पर पतंग नहीं। कहाँ पर कहाँ लिखा है? पर कहाँ लिखा है? घर के बाद पर कहाँ लिखा है? 38 सेकेंड्स। गुड। चलो वर्तिका आ जाओ, सबसे लास्ट बच्ची। देखते हैं तुम सबको हरा पाती हो कि नहीं। वर्तिका देखो 17 सेकेंड नंबर एक पर है। पलक 19 सेकेंड। तुम्हें इन दोनों में से किसी एक को बीट करना है। तैयार हो? रेडी। शाबाश। 16 16 16। रुको सोलह सेकेंड के साथ इस। अरे उदास मत हो यश। ए महाराज, ओ यश, अरे अगली बार फिर जीतोगे। ओह देख लीजिए गौर से, यश जो है उदास हो गए हैं। कितना पाए थे? 26। 10 सेकेंड के अंतराल में ये उदास हुए हैं। अगर अभी इंग्लिश वाला भी होगा तो इंग्लिश वाले में तो जरूर जीत जाएंगे। जीतेंगे ना? हाँ, उदास नहीं होना चाहिए। तो एक बार जो लोग जीते हैं, जैसे यहाँ पे सक्षम 17 सेकेंड खड़े हो जाएं, पलक 19 सेकेंड खड़ी हो जाएं और वर्तिका 16 सेकेंड खड़ी हो जाएं। जोरदार तालियां इन लोगों के लिए, बहुत बढ़िया।